हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव वास्तु एनालिसिस। दोस्तों, आप सबका स्वागत हमारे इस एपिसोड में है। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा एपिसोड है वो डिजिटल स्कैनर पे ही आधारित है। अगर आप कभी भी किसी भी प्रकार की हमें एनालिसिस करने के लिए हमें जो जॉब वर्क देते हो कि सर जी हमारे घर की एनालिसिस कीजिए, चाहे वो डिस्टेंस एनालिसिस करनी हो या फिर आप फिजिकल हमें वहाँ बुला रहे हो, तो ये ओरा स्कैनर किस तरह से उसको रिपोर्ट करता है, किस तरह जाके वहाँ पे परफॉर्मेंस देता है और उसकी जो रिपोर्ट जनरेट होती है वो किस तरह से कस्टमर के माइंड में आती है, ये जो मेरा आज का वीडियो है वो उन व्यूअर्स के लिए है जो सालों से वास्तु कंसल्टेंसी कर रहे हैं और उन्होंने डिजिटल ओरा स्कैनर लेने की तमन्ना रखी हुई है या वो एक मैनुअल ओरा स्कैनर यूज़र है। तो आज हम आपको ये बताएंगे कि मैनुअल ओरा स्कैनर से भी हम ये चीज़ को कन्वेंट कर सकते हैं कि इससे कितनी हमारी पॉजिटिविटी पता चल सकती है, पर डिजिटल के अंदर क्या विशेषता है वो मैं आपको दिखाने की आज कोशिश करूँगा। आज हमारे पास एक कस्टमर की रेमेडी आई थी, उनको हमने एक प्रोडक्ट भेजी थी वहाँ की एनालिसिस करके। ये डिस्टेंस कंसल्टेंसी हमने की है, हमारे पास उस क्लाइंट ने दो तरह की फ़ोटो भेजी है, एक बिफोर रेमेडी और एक आफ्टर रेमेडी। तो बिफोर रेमेडी की जो प्रॉपर्टी लेंथ एनालिसिस है कि उसकी प्रॉपर्टी की ऊर्जा कितनी है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, और साथ साथ डिजिटल स्कैनर के माध्यम के द्वारा ये भी दिखाने की कोशिश करेंगे आफ्टर रेमेडी वहाँ पे क्या डिफरेंस आया। ये थोड़ा लंबा वीडियो बनेगा, आपको इसको देखना पड़ेगा, ये तुरंत आप समझ नहीं पाओगे क्योंकि ये आप डिजिटल स्कैनर यूज़र नहीं हो, पर ये अगर आप देखोगे तो इससे आपको भी पता चलेगा कि एक प्रॉपर्टी होती है और उसकी ओरा होती है वो कैसे हम इस पर यहाँ पर जज करते हैं। ये क्लियरेंट फोटोग्राफी का जो सॉफ्टवेयर है इसमें हम अपने फोटो के माध्यम के द्वारा, अपनी पिक्चर के माध्यम के द्वारा 7 चक्रास की जो ओरा है उसको स्कैन करते हैं। तो ये जो ओरा है वो निर्जीव चीज़ की भी है और सजीव चीज़ की है, लाइव ओरा भी है और नॉन लाइव ओरा भी है। तो इसको कैसे स्कैन किया जाता है, तो इसको जो ये सॉफ्टवेयर की मदद से, क्लियन फोटोग्राफी के सॉफ्टवेयर की मदद से ही हम इसको जज कर पाते हैं और उसको स्कैन कर पा रहे हैं कि यहाँ जो प्रॉपर्टी है उसकी ऊर्जा क्या है, और बाद में हमने जो रेमेडी प्रोवाइड की है उस प्रॉपर्टी में तो उसकी ऊर्जा क्या है, क्या यह पॉजिटिव रेशियो बढ़ा हुआ है, क्या नेगेटिव रेशियो घटा हुआ है। तो ये हाँ, आपको डिजिटल स्कैनर के माध्यम स्टेप बाय स्टेप हम समझाने की कोशिश करेंगे, तो आपको भी समझ में आएगा कि ये डिजिटल स्कैनर कितना इम्पोर्टेंस है, कितना ज़रूरी है वास्तु के अंदर, और इसमें ऐसी क्या खूबियाँ है जो हम इसको परचेस करेंगे या फिर हम किसी वास्तु कंसल्टेंट जो डिजिटल स्कैनर यूज़र है, जिसके पास डिजिटल स्कैनर है, तो उस कंसल्टेंट को हमारी प्रॉपर्टी के लिए एनालिसिस कर सकेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको एकदम एक्यूरेसी प्राप्त होगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद है। देखिए फ्रेंड्स, हमको क्लाइंट ने एक्चुअली उनकी बिफोर रेमेडी और आफ्टर रेमेडी के फोटो भेजे हुए हैं, जो हम आपको किस तरह से इसमें एनालिसिस करते हैं वो आपको दिखाते हैं। तो ये जो डिजिटल ओरा स्कैनर है उसके साथ ये जो ऐप है, ऐप के अंदर ये सब कैटेगरी है। तो यहाँ पे हमें जानी है प्रॉपर्टी एनर्जी, क्योंकि हम उस प्रॉपर्टी की एनर्जी ले रहे हैं बिफोर रेमेडी एंड आफ्टर रेमेडी। तो हम इस एनर्जी को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी उसको क्लिक करना है। जैसे कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी क्लिक करेंगे तो यहाँ दो ऑप्शन आएगा कि हम फोटो भी खींच सकते हैं और गैलरी के अंदर आए हुए फ़ोटो को हम देख भी सकते हैं। तो ये हमें भेजे हुए फ़ोटो तमाम फ़ोटो है। अब यहाँ पे हमें ये इन्होंने इतने फ़ोटो भेज रखे हैं क्लाइंट ने, तो इसके जो पहले 3 फ़ोटो है वो है रेमेडी वाले फ़ोटो है। अब वो हम आपको ओपन करके दिखाएंगे। अब ये देखेंगे तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी एक रेमेडी कर ली है, यहाँ पर 2 बूस्टर लगा रखे हैं। ओके, अब हम इसको बैक जाएंगे, हम यहाँ पे इसको ओपन कर रहे हैं। अब ये आप देखोगे तो इनकी एंट्रेंस है और एंट्रेंस के यहाँ पे ग्रीन कलर की एक मैट भी पड़ी हुई है। तो यहाँ की जो हम अभी एनालिसिस करेंगे, यहाँ पे अभी हमने कोई भी प्रकार की कुछ भी प्रोडक्ट का यूज़ नहीं किया, कोई भी 3D रेमेडी नहीं दे रही, तो अब इसकी हमें क्या पॉजिटिविटी प्राप्त हो रही है वो हम देखने की कोशिश करेंगे। जैसे ही हमने इस प्रॉपर्टी एनर्जी को कमांड दिया तो हमारे स्कैनर में भी एक कमांड मिल गया है। अब हम यहाँ पे स्कैन करेंगे कि इस पिक की पॉजिटिविटी यानी इस प्रॉपर्टी एनर्जी क्या है वो हमें पता चलेगा। आप देखेंगे स्कैनर स्कैन होने लग गया है और वो धीरे धीरे जो फोटो के माध्यम में अपनी एनर्जी को ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अभी इस एंट्रेंस में कितनी पॉजिटिविटी है, कितनी नेगेटिविटी है, इसकी ओरा क्या है, इसकी लेंथ ओरा लेंथ कितनी है।
जैसे ही स्कैनिंग कंप्लीट होगी एक बीप का सायरन बजेगा और यहाँ पे हमें इसकी रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। तो अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो 36% पॉजिटिव ही है, ये प्योर पुअर एनर्जी है, इसको सबमिट करना है। जैसे ही हम इसको सबमिट करेंगे तो इसको व्यू करने के लिए इसको खोलेंगे तो यहाँ पे पूरी एक एनालिसिस होके आगे कि इतनी यहाँ की ओरा डिस्टर्ब है इस एंट्रेंस की। अब ये एंट्रेंस की जो ओरा डिस्टर्ब है तो इधर 36% है और पुअर एनर्जी है, यानी ये चीज़ हमें नहीं चलेगी। अब यहाँ पे हमने इन क्लाइंट को कुछ ऐसा दे रखा है, इसकी सॉल्यूशन क्या दे रखी है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि वो सॉल्यूशन देने के बाद, इसकी रेमेडी देने के बाद यहाँ पे क्या हमें रिपोर्ट प्राप्त हो रही है। अब वापिस हम इसमें जाएंगे और उसकी पूरी एनर्जी को एक बार वापिस हम देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन है, वापिस आपको प्रॉपर्टी में जाना है और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में जाना है। जैसे ही वापिस गैलरी, अब इनकी जो रेमेडी की हुई है एंट्रेंस रेमेडी वो भी आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे दो बूस्टर हमने लगा रखे हैं, ये आफ्टर रेमेडी, पहले जो फोटो थी वो बिफोर रेमेडी थी, अब की जो ये फोटो क्लिक करके उन्होंने भेजी है वो आफ्टर रेमेडी। तो आफ्टर रेमेडी के बाद इस एंट्रेंस में कितनी पॉजिटिविटी क्रिएट हो चुकी है वो अब वहाँ आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 100% एक्सेलेंट और इधर ओरा पूरी चेंज हो गई है। इसको हम सबमिट कर रहे हैं, अब इसको व्यू कर रहे हैं तो इसकी क्या रिपोर्ट निकल के आ रही है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे पूरी प्रॉपर्टी एनर्जी रिपोर्ट 100% एक्सेलेंट हो गई है। यानी कहने का भावार्थ है ये डिजिटल स्कैनर के माध्यम से अगर आप किसी को ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी करनी है किसी कंसल्टेंट को, तो वो पहले वहाँ की प्रॉपर्टी के फ़ोटो मंगवा लें, फिर यहाँ पे स्कैनिंग करें, फिर जो सजेस्ट करता है रेमेडी वो रेमेडी उनको भेजें, वहाँ पे रेमेडी आप लगवाइए और वहाँ की फ़ोटो वापस मंगवाइए और वापस डिजिटल स्कैनिंग से स्कैन कीजिए तो क्या रिपोर्ट आती है। अब हमने उनकी दूसरी एक एनालिसिस की थी किचन शौचालय की, तो शौचालय की बिफोर फोटो एंड आफ्टर रेमेडी फ़ोटो दोनों में यहाँ पे आपको करके दिखा रहा हूँ। वापिस आप देखना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, इससे आपको ये अपने लाइफ के अंदर ये हो जाएगा कि कभी ना कभी हमारा खुद का मकान का प्लानिंग बने तो एक बार डिजिटल स्कैनर वाले को बुला के, कंसल्टेंट को बुला के उससे स्कैनिंग करवाएंगे। अब ये वापिस वही बहुत ही ईजी है, खेल खेल में ये चीज़ होगा, इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। अब ये दूसरी फोटो देख लीजिए, यहाँ पे पूरी उन्होंने एक रेमेडी कर रखी है, उसकी फ़ोटो में नहीं ले पाएंगे क्योंकि हमें बिफोर रेमेडी की फ़ोटो चाहिए। अब ये देखिए इनका किचन, ये शौचालय है, यहाँ पे कोई भी प्रकार की उन्होंने रेमेडी नहीं की है। जूम करके दिखाना क्लाइंट को, व्यूवर्स को, जिससे तरह उनको पता चले। यहाँ पे इनका टॉयलेट है और यहाँ पे कोई भी प्रकार की रेमेडी नहीं है। हमारे इस पर कमांड आ गया है, अब हम इसको स्कैन कर रहे हैं। आप देखेंगे तो यहाँ पे ये बैड एनर्जी आ रही है, 16% आ रही है जो नहीं चलेगी। वास्तु के हिसाब से मिनिमम 75% किसी भी प्रॉपर्टी की ऊर्जा चाहिए हमें पॉजिटिव ओरा लेंथ। तो यहाँ पे आप देखोगे रिपोर्ट के अंदर तो 16% बैड एनर्जी। अब वापस हम यहाँ से बैक जाएंगे, अब आफ्टर रेमेडी हमें यहाँ पे एक और फोटो हमने मंगा रखी है,
कि उस क्लाइंट को उस फोटो के माध्यम से हम ये दिखाना चाहते हैं कि आपकी जो हमने रेमेडी आपको सजेस्ट की है वो 100% आपको रिजल्ट दे रही है। अब वापिस गैलरी में जाएंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये इनकी पूरी शौचालय की यहाँ पे देखिए, एक मैंने एक यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा सिंबल्स, प्लस उन्होंने अंदर भी कहीं पे वो सिंबल्स रेडी कर दिया होगा। इस तरह से उन्होंने एक फोटो भेजी है। अब यहाँ से हम उसको पूरा एनालिसिस कर रहे हैं। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे भी 100% इसका पूरा रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं अभी हम, व्यू रिपोर्ट। ये देखिए पूरी प्रॉपर्टी की एनर्जी, कंस्ट्रक्शन एनर्जी और उससे मिलने वाली पॉजिटिविटी एनर्जी 100% हो रही है। यानी हमने उनको जो रेमेडी सजेस्ट की थी, टॉयलेट प्रोटेक्ट बूस्टर और यिनयांग बागवा जो टॉयलेट के अंदर हम यूज़ करते हैं, वो भी 100% यहाँ पे निकल के आ गया। इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे। वापिस हम हमारे रिकॉर्ड में जाएंगे। यहाँ पे है नेक्स्ट, यहाँ पे आएगा प्रॉपर्टी एनर्जी, कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी, गैलरी। अब यहाँ पे हम ले रहे हैं किचन, तो ये किचन में भी कोई प्रकार की रेमेडी नहीं हुई हुई है। अब हम इस किचन की फ़ोटो की एनालिसिस करेंगे, डिस्टेंस एनालिसिस, क्या भी बिफोर रेमेडी इसकी क्या प्रॉपर्टी एनर्जी है, इसकी ओवरऑल लेंथ कितनी है। यहाँ पे भी आप देखोगे तो 32% निकल के आई है प्रॉपर्टी एनर्जी। ये देखिए ये पूरी रिपोर्ट यहाँ पे जनरेट हो गई है। यहाँ आप देखोगे तो रेड कलर ज़्यादा है और यहाँ पे और ओरा के कलर भी थोड़े कम आ रहे हैं, जिससे यहाँ इतनी नेगेटिविटी है, खाली 32% ही पॉजिटिव एनर्जी है। तो 80% जो इसकी है, 70% उसको हमको गेन करना है तो ही जाके 100% होगा। तो उसके लिए हमने कोशिश की है कि वास्तु की जो हमारी 3D रेमेडी है, हमने उनको 2-3 रेमेडी यहाँ पे सजेस्ट की है, उन्होंने उस रेमेडी को वहाँ पे अप्लाई करके हमें फ़ोटो भेजा है और हमें कहा क्लाइंट ने कि आप थोड़ा हमें बताने की कोशिश कीजिए कि आपने जो हमें रेमेडी सजेस्ट की है तो क्या 100% ऑन स्कैनर ये चीज़ 100% आ रही है। तो हमने वापस उनकी फिर किचन की एक फ़ोटो मंगाई और उसमें हमने आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। सॉरी ये वापस एंट्रेंस आ गया, प्रॉपर्टी एनर्जी, कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी, गैलरी। ये आप देखोगे तो यहाँ इनके क्रिस्टल बॉल लगाया है हमने, उनको सजेस्ट किया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक क्रिस्टल हैंग करवाया है हमने, क्या अब यहाँ की वो जो किचन की एनर्जी है इस क्रिस्टल की बदौलत क्या परसेंटेज पे कन्वर्ट हो चुकी है कि नहीं, ये अब आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये बिल्कुल लाइव है, अब आप देखना कि यहाँ की क्या रिपोर्ट निकल के आती है। आप स्कैनर की ही मूवमेंट से भी पता लग जाएगा कि आपको कितनी पॉजिटिविटी यहाँ प्राप्त हो रही है। जैसे बीप का सायरन बज रहा है, यहाँ पे पूरा 100% एक्सेलेंट हो गया। यानी अब हम इसको सबमिट करेंगे तो जो आगे का वर्क है वो पूरा कंप्लीट होके बाहर आ जाएगा। व्यू रिपोर्ट देखने की कोशिश करेंगे तो जैसे ही व्यू रिपोर्ट देखोगे तो आपको देखो ये सब ओरा चेंज हो गई। यहाँ कहने का यही तो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये 100% एक्सेलेंट हो गई है। फ्रेंड्स, आप कभी भी कोई भी वास्तु दिखा रहे हो या कोई भी कंसल्टेंसी को आप अपॉइंट कर रहे हो तो हम आपको निवेदन करेंगे,
आप अपने घर की वास्तु को कोई अच्छे कंसल्टेंट को दिखाइए, क्योंकि आपके सामने समक्ष हमने ये रिपोर्ट बनाई है। ऐसा नहीं है कि स्कैनर होना ही जरूरी है, वही कंसल्टेंट अच्छा कंसल्टेंट है। कई कंसल्टेंट पेंडुलम के माध्यम के द्वारा, मैनुअल स्कैनर के माध्यम के द्वारा, और कोई एक्सपर्ट होंगे तो वो डिजिटल स्कैनर के माध्यम के द्वारा आपकी प्रॉपर्टी को एनालिसिस कर पाएंगे। ये तो एक डिस्टेंस एनालिसिस है, तो भी एक्यूरेसी आ रही है वो सॉफ्टवेयर के मदद से, क्लीन फोटोग्राफ के सॉफ्टवेयर के मदद से। अगर हम फिजिकल आपकी प्रॉपर्टी के अंदर आते हैं तो और भी एक्यूरेसी आएगी, क्योंकि वहाँ पे हमें महसूस होता है, हमें वहाँ पे दिखता है कि क्या रेमेडी करें। इस प्रकार इस क्लाइंट को हमने ऐसी रेमेडी प्रोवाइड की कि आज उसकी जो वास्तु की कंडीशन है वो पॉजिटिव कंडीशन हो चुकी है। फ्रेंड्स, आप भी अपने घर की कोई भी प्रकार की वास्तु कंसल्टेंसी ऑनलाइन करवाना चाहते हैं या फिजिकल करवाना चाहते हैं, तो आप हमें अपने घर के लिए एक सुनहरा अवसर दे सकते हैं। हम कुछ फीस लेते हैं, हमारा आने जाने का खर्चा होता है और कुछ हमारी एक दिन की मेहनत होती है, वहाँ पे हम आपको कंसल्ट करते हैं और आपको रेमेडी सजेस्ट करते हैं। क्या पता आपके विश्वास और हमारी मेहनत कुछ रंग लाए और आपके जीवन में आने वाली समस्या, जो वास्तुजन्य समस्या है, उसको हम दूर कर सके और आपके जीवन को खुशहाल कर सके। फ्रेंड्स, ये सब लेना देना मेरा तुम्हारा, आपका बुलाना या मेरा आना, वो सब इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। अगर प्रभु की कृपा होगी तो आपके जीवन में भी ये अवसर आएगा। आप कोई नया मकान परचेस कर रहे होंगे तो आप हमें 100% हमें याद कीजिए। अगर हम नहीं आ सकेंगे तो हम आपको गाइड करेंगे। हम भले ही आपसे हजारों किलोमीटर दूर बैठे, पर हमारा दिल मन भावना और आपकी प्रोग्रेस में ही लगा हुआ है। कैसे ना कैसे करके हमारे व्यूअर्स किस तरह से अपने घर के अंदर वास्तु संबंधी समस्याओं से सामना कर रहे हैं, तो वो उससे बाहर आए। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।